ऐसा ही सवाल कई बच्चों ने पूछा है। हर्ष शुक्ला है जो कि नवीं कक्षा के छात्र हैं और पुणे में रहते हैं, पूछ रहे हैं कि परीक्षा के समय हम अति कठिन तैयारी करते हैं, खाना पीना तक भूल जाते हैं। ऐसे समय में जब प्रश्न पत्र देखते हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं आता और हम अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि हम ऐसे समय में अपने आत्मविश्वास को कैसे बनाए रखें और इसे चूर न हो रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया इस बारे में हमारे प्रश्न करें। आप पैसे कितनों को लगता है कि आपका आत्मविश्वास है ही जा रहा है, कितना बड़ा है? ये सवाल बहुत से बच्चों ने पूछा और ये बिल्कुल सही सवाल है कि मेहनत में कोई कमी नहीं होती। खुद ने भी मेहनत की होती है, अपने पेरेंट्स ने भी की होती है, टीचर्स ने भी की होती है, हमने भी ईमानदारी से की होती है। ऐसा नहीं कि भाई टीचर को अच्छा लगे या माँ बाप को अच्छा लगे, लेकर ईमानदारी से। लेकिन एक चीज, अगर आत्मविश्वास नहीं है तो कितने ही मेहनत की क्लास में बैठते हैं, एक शब्द याद आता है, ये भी आता है उस किताब में है, फिर याद आता है उस पेज पर है, फिर आता है उस पेज की पांचवी छठी लाइन में है, सब याद आता है, शब्द याद नहीं आता है। ऐसा होता है ना,